हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें यहाँ पर फिगर दी हुई है और इस फिगर में बताया है कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं मतलब क्या है, इन दोनों एंगल्स की सम 180 डिग्री है, ऐसा उन्होंने कहा है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। अगर आपने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो आपको कौन से चेंजेस एंगल 2 में करने पड़ेंगे सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों के दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री ही रहें। ठीक है, तो देखिए, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की सम कितनी है, 180 डिग्री उन्होंने बोला है। अगर वो एंगल 1 को कम कर देते हैं, सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लो कि ये जो है ये सपोज 120 डिग्री का है, एंगल 1 120 डिग्री का है और दोनों की सम 180 है, मतलब एंगल 2 60 का होगा, ये 120 और ये 60 का है। अगर मैं एंगल 1 को कम कर देती हूँ, ठीक है, ये एंगल को कम कर देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, इसको सपोज मैं 90 कर देती हूँ, तो 90 करने के बाद मुझे दूसरा एंगल कितना चाहिए होगा जब जाके ये दोनों 180 होंगे, तो ये अगर 90 है तो दूसरा भी मुझे 90 करना होगा, मतलब ये 60 जो था इसको मुझे 30 से बढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने इसमें 120 से कम किया है 30 को, तो मैंने वही 30 यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वी हैव टू इंक्रीज एंगल 2 बाय द डिग्रीज वी डिक्रीज फ्रॉम एंगल 1। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है कि हमें इंक्रीज करना होगा एंगल 2 को कितनी डिग्री से, तो उतनी डिग्री जो आपने डिक्रीज की है 1 में से। यहाँ पर मैंने 120 था उसको 90 किया, मतलब उसमें से 30 माइनस किया। अगर मैंने एंगल 1 में से 30 माइनस किया है तो एंगल 2 में मुझे 30 को ऐड करना होगा। अगर एंगल 2 में 30 को ऐड करूँगी तो 90 हो जाएगा और ये 120 भी 90 हो गया, तो दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस इतना ही आंसर आपको लिखना है कि जितने डिग्री से आप एंगल 1 को कम करेंगे उतने ही डिग्री आपको एंगल 2 में बढ़ाना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या है। अब आपको बोला है यहाँ पर, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर। क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री कब हो सकते हैं, जब उनकी सम 180 हो। अगर दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल मतलब आप लोगों को पता है, एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जिनकी जो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर एक भी डिग्री कम है, मतलब 89 डिग्री भी है, तो वो एक्यूट एंगल है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री से बड़े वाले जो एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर दो एंगल्स जो हैं, क्या ये पॉसिबल है कि दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एक्यूट हैं? तो देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्यूट एंगल है मतलब 90 से तो कम है, और दोनों ही एंगल को 90 नहीं ले सकते आप, दोनों को ही एक्यूट मोला है, मतलब अगर 89 भी लेती हूँ, एक्यूट में भी सबसे हाईएस्ट लेती हूँ, तो भी उनकी एडिशन 180 नहीं आएगी, वो 178 ही आएगी। इसलिए दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। तो इसका आंसर आएगा नो, पॉसिबल ही नहीं है। दो एंगल्स दोनों अगर एक्यूट है तो उनकी सम 180 डिग्री हो ही नहीं सकती, इसलिए वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा है ऑब्ट्यूज। अगर दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज हैं, तो दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज है मतलब क्या है, 90 डिग्री से बड़े हैं। अब 90 डिग्री से बड़े मतलब क्या, 90 से बड़े मतलब 91 भी होगा तो वो ऑब्ट्यूज है। तो अगर मैं दोनों एंगल्स को 90 से बड़ा मतलब 91 लेती हूँ, तो भी उन दोनों एंगल्स की सम 180 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम 180 ही होनी चाहिए एग्जैक्ट। इसलिए अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल भी हैं तो उनकी एडिशन कभी भी 180 नहीं होगी और वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नो होगा। उसके बाद थर्ड है हमारा राइट एंगल। अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं तो,
दोनों एंगल्स राइट एंगल है, मतलब क्या है कि दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री, और हमें सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर बनाने के लिए 180 डिग्री ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यस, अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री 90 डिग्री या राइट एंगल हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर बनाएंगे या वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस तरह से इसका आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है लेकिन वो 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब 46 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 45 से बड़ा है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होना चाहिए। आप सिर्फ इतना बताना है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया है कि वो एंगल एग्जैक्ट कितने डिग्री का है, बस सिर्फ इतना बताया है कि ग्रेटर देन 45 है। आपको एक बात और बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनकी एडिशन 90 डिग्री होती है, राइट। तो 45 से बड़ा अगर एक एंगल है, 45 से बड़ा अगर है तो उसके साथ 90 डिग्री तक लाना है, मैच करना है, तो डेफिनेटली 45 और 45 90 होता है, लेकिन ये 45 से बड़ा है मतलब इसका दूसरा एंगल हमें थोड़ा छोटा लेना होगा। तो यहाँ उन्होंने सिर्फ पूछा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर दैन 45 होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर दैन 45 मतलब क्या है कि अगर आप 46 डिग्री का, वो वाला पहला वाला एंगल था क्योंकि ग्रेटर दैन 45 बोला तो हमने 46 कंसिडर किया, और आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 से बड़ा ले रहे हो, मतलब 46 ले रहे हो, तो 46 और 46 कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सम 90 चाहिए, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर इस 46 के साथ में हम इक्वल टू 45 अगर कर लेते हैं, कि अगर दूसरा एंगल 45 ले लेते हैं तो 45 और 46 91 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेस देन 45 हम ले सकते हैं। लेस देन 45 मतलब अगर मैंने पहला एंगल, गिवन एंगल सपोज 46 है, तो मैं दूसरा वाला एंगल 44 ले लेती हूँ, तो 46 और 44 90 हो जाएगा, मतलब लेस देन 45 ही उसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ लिख दो कि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री सो दैट बोथ कैन मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। बस इतना ही हमें लिखना है कि वो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो लेस देन 45 होना चाहिए, ताकि दोनों की सम जब हम करें तो वो 90 डिग्री हो, जो कि एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने यहाँ कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।